आजादी के बाद यहाँ मनुवादी सरकार रही, उसके बाद समाजवादी सरकार रही है। आजादी के बाद यहाँ मनुवादी सरकार रही, उसके बाद समाजवादी सरकार रही है। बीच बीच में कभी कभी समाजवादी और गोडसेवादी मिलके सरकार बनाए हैं। बिहार में जो जन समस्या है वो जस के तस है, जहाँ तक और बड़ी है तो उसका निराकरण एक ही विचारधारा करेगा, वो है अम्बेडकरवादी विचारधारा। और भी दलित को जिनको वोट लूटना है वो भी बात करेंगे, बेगर बाबा साहब का नाम लिए वोट कैसे लुटाएगा, पर बाबा साहब की नीति सिद्धांत पर कितना चलते हैं ये पत्रकार महोदय आप अपने दिल से बोलिए। दलित के ही वोट से सरकार बनती है, सरकार गिरती है। और सबसे आसान वोट लूटना है अम्बेडकर जी के नाम पर, जैसे आम आदमी पार्टी ने पंजाब में एक फोटो लगा के सारा वोट लूट लिया, और बनने के बाद आरक्षण खत्म, छात्रवृत्ति खत्म, वही काम जो मनुवादी कर रहा है। उनका लक्ष्य उनसे पूछिएगा, उनका लक्ष्य क्या है, उनकी है यहाँ लक्ष्य क्या है। देश में तीसरी नंबर की पार्टी है, कौन तीसरी नंबर की पार्टी? बहुजन समाज पार्टी। तीसरी नंबर के पार्टी है, पर तीसरी नंबर की लड़ाई तो नहीं लड़ रही है। एक है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कैंडिडेट, दूसरा है कांग्रेस के राहुल गांधी, तीसरा कोई है क्या जी? यूपी के 27 मुख्यमंत्री के वो लड़ाई की उनकी तैयारी है, देश के प्रधानमंत्री की लड़ाई नहीं है। देश के प्रधानमंत्री की लड़ाई में दो ही पार्टी लड़ रही है, एक है भाजपा और एक है कांग्रेस। 10 सीट पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें प्रथम चरण में 3 जगह हम लोगों ने नॉमिनेशन फाइल किया था, जिसमें हम लोग को षड्यंत्र के तहत यहाँ के सरकार और विपक्षी दोनों मिलके हमारे उम्मीदवार के नॉमिनेशन को रद्द करने का काम किया था। जितने बिहार में दलित पार्टियां हैं वो लक्ष्य विहीन पार्टी है, उनके पास कोई लक्ष्य है ही नहीं। और बाबा साहब जिन्होंने बड़ा मेहनत से संविधान लिखा है, उन्होंने साफ कहा है कि जाओ अपने दीवारों पर लिख लो कि हमें शासक बनना है। शासक क्यों बनना है? क्योंकि सत्ता वो मास्टर चाबी है जो हर एक बंद दरवाजा को खोलता है। यानी राज्य में अगर शासक की कोई कुर्सी है तो वो है मुख्यमंत्री का कुर्सी। और जितने बिहार में दलित पार्टियां हैं वो मुख्यमंत्री यानी शासक बनने की लड़ाई लड़ ही नहीं रही है, चाहे लोजपा हो, चाहे हम पार्टी हो, चाहे और भी यहां जो दुकान खुले हुए हैं बाहरी दलित पार्टियां या अम्बेडकरवादी के पार्टी के नाम पर, वो यहां के शासक बनने की लड़ाई नहीं लड़ रही है। तो वैसे स्थिति में समतामूलक संग्राम दल को गठित किया गया है, चूँकि दल की सरकार होती है तो दल बनाना जरूरी है। तो समतामूलक संग्राम दल इसलिए बनाई गई कि अब बिहार में जो 2025 के चुनाव होगी उसमें हम लोग अम्बेडकरवादी सरकार निश्चित रूप से बनाएंगे, इसलिए समतामूलक संग्राम दल को गठित किया गया। जैसा कि आज़ादी के बाद यहाँ मनुवादी सरकार रही, उसके बाद समाजवादी सरकार रही है, बीच बीच में कभी कभी समाजवादी और गोडसेवादी मिलके सरकार बनाए हैं, कभी कभी समाजवादी प्लस समाजवादी खांटी लूटवादी सरकार यहाँ बनी है। पर अब चूंकि इतनी सरकार बनने के बाद भी बिहार में जो जन समस्या है वो जस के तस है, जहाँ तक और बड़ी है तो उसका निराकरण एक ही विचारधारा करेगा, वो है अम्बेडकरवादी विचारधारा। तो कोई लड़ेगा तब ना बनेगा, इसलिए समतामूलक संग्राम दल गठित की गई है कि यहाँ मनुवादी सरकार रही, समाजवादी सरकार रही, अब की बार अम्बेडकरवादी सरकार निश्चित रूप से होगा और ये संघर्ष हम लोग जीतेंगे। तेजस्वी यादव चिराग पासवान भी बाबा साहब की बात करते हैं। बात तो नरेंद्र मोदी भी करते हैं, अमित शाह भी करते हैं और मोहन भागवत भी करते हैं, और भी दलित को जिनको वोट लूटना है वो भी बात करेंगे, बेगर बाबा साहब का नाम लिए वोट कैसे लुटाएगा, पर बाबा साहब की नीति सिद्धांत पर कितना चलते हैं ये पत्रकार महोदय आप अपने दिल से बोलिए, क्या वो चलते हैं? नहीं चलते हैं। तो बाबा साहब का नाम सिर्फ दलितों को वोट लूटने के लिए करते हैं। अगर सरकार में रहे हैं छाती पीट रहे हैं कि हमें नौकरी दिया है, प्रमोशन में आरक्षण रुकी हुई थी, और यहाँ दलित के जो छात्रवृत्ति है वो भी रुकी हुई है, ये कहानी दिला दिए, ये दिलवाए, कभी चर्चा भी किए हैं? नहीं किए। कहना कि केंद्र दे ही नहीं रहे तो हम कहां से देंगे? नहीं, जो अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है कि एम नागराजन का जो फैसला है सुरक्षित है, हम सुरक्षित रखते हैं। तो यानी जो राज्य सरकार है वो अपने नौकरियों में आरक्षण विधायक लियान के कर सकता है विधानसभा में, तो कहे नहीं लाए ये? अब तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया ना भाई, वो क्लियर कर दिया है कि जो एम राजन का जो जजमेंट है केस में, वो जजमेंट को हम सुरक्षित रखते हैं। दलितों को लूटने का काम करिए, दलितों का लूटने का काम है, चूंकि दलित के ही वोट से सरकार बनती है, सरकार गिरती है। और सबसे आसान वोट लूटना है अम्बेडकर जी के नाम पर, जैसे आम आदमी पार्टी ने पंजाब में एक फोटो लगा के सारा वोट लूट लिया,
और बैठने के बाद आरक्षण खत्म, छात्रवृत्ति खत्म, वही काम जो मनवादी कर रहा है। मनोज भारती का कहना है कि आजाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी लक्ष्यहीन पार्टियां हैं, सिर्फ मनोज भारती का जो पार्टी है वही लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है। नहीं, बिहार में हो सकता है वो यूपी में उनका पास लक्ष्य हो, पर बिहार में अगर आप देखेंगे उनका संगठन बिहार में भी है तो है, तो उनका लक्ष्य क्या है? उनका लक्ष्य उनसे पूछिएगा, उनका लक्ष्य क्या है, उनकी है यहाँ लक्ष्य क्या है? देश में तीसरी नंबर की पार्टी है। कौन तीसरी नंबर की पार्टी? बहुजन समाज पार्टी। तीसरी नंबर की पार्टी है, पर तीसरी नंबर की लड़ाई तो नहीं लड़ रही है। एक है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री कैंडिडेट, दूसरा है कांग्रेस का राहुल गांधी, तीसरा कोई है क्या? मायावती है। कैसे कैसे मान लें कि वो कैंडिडेट है? कैसे मान लें कि वो कैंडिडेट है? मनोज वो अपने से या बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कमेटी ने फैसला लिया है? नहीं लिया है। क्या बहन जी ने कभी स्टेटमेंट दिया है? नहीं दिया है। तो उनके समर्थक लोग बोल रहे हैं कि हमारा नेक्स्ट पीएम वो लड़ ही नहीं रहे हैं, कैसे प्रधानमंत्री बनेंगे? राज्यसभा में जाएंगी नहीं, तो चुनाव लड़ ही रहे हैं ना। बहन जी कहाँ लड़ रही हैं? राज्यसभा में नहीं जाएंगी, लोकसभा में नहीं जाएंगे, तो प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे वो? बहन जी में कोई दोष नहीं है, बहन जी यूपी के 27 मुख्यमंत्री के वो लड़ाई की उनकी तैयारी है, देश के प्रधानमंत्री की लड़ाई नहीं है। देश के प्रधानमंत्री की लड़ाई में दो ही पार्टी लड़ रही है, एक है भाजपा और एक है कांग्रेस, तीसरा कोई नहीं है। और बिहार में लोकसभा चुनाव हो रहा है, तो समता मूलक संग्राम दल कितने सीटों पर चुनाव लड़ रही है, कितने प्रत्याशियों की अभी घोषणा की? हम लोग यहाँ 10 सीट पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें प्रथम चरण में 3 जगह हम लोगों ने नॉमिनेशन फाइल किया था, जिसमें हम लोग को षड्यंत्र के तहत यहाँ के सरकार और विपक्षी दोनों मिलकर हमारे उम्मीदवार के नॉमिनेशन को रद्द करने का काम किया था, वो 3 गो रद्द हो गई है। पर अभी हम लोग जहानाबाद से लड़ेंगे, 7 तारीख हमारे मीनता देवी जी यहाँ आपके सामने कैंडिडेट यहाँ हैं, 7 तारीख को हम लोग नॉमिनेशन करेंगे। पटना पाटलिपुत्रा से हम लोग हैं, आरा से हैं, सासाराम से हैं, आपका काराकाट से हैं, बक्सर से भी हैं। हम लोग अब चुनाव लड़ने वाले हैं और निश्चित हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और सर एक आखिरी सवाल ये है, लोगों का कहना है कि आप जो है धरातल पर जा करके लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, कहते हैं कि जहां पर दलितों का शोषण जुल्म अत्याचार हो रहा है उस जगह तक आप नहीं पहुंच रहे हैं। नहीं, उसके लिए तो सोशल मीडिया, अभी तक सोशल मीडिया जो है प्रूफ के तौर पर हर एक लोगों के हाथों में सोशल मीडिया है। आप हमारा जो फेसबुक अकाउंट है उसको खोल के देख सकते हैं कि हम लोग वहाँ जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। बिहार में सबसे ज्यादा अगर जमीन पर कोई लड़ रहा है, बाकी लोग तो लड़ रहे हैं लोकप्रियता हासिल करने के लिए, पर हम लोग लड़ रहे हैं न्याय के लिए, हम लोग लड़ रहे हैं शासक बनने के लिए, और हम लोग जमीन पर हैं। जितनी लड़ाई अगर यहाँ सफल लड़ाई लड़ी गई है अभी 2 सालों के अंदर में, तो समतामूलक संग्राम दल है, इसको रिकॉर्ड आप देखते हैं।